भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन बेसबॉल पर भारी पड़ा जयसवाल। जी हाँ, बताऊंगा कि कैसे यशस्वी जयसवाल ने मैच में भारत को बहुत आगे कर दिया है, और इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। ये भी बताऊंगा कि अश्विन जो है इस टेस्ट मैच में आगे क्यों हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो है पूरी तरह से भारत के नाम रहा, और कहना पड़ेगा कि जो बेसबॉल है इंग्लैंड का उस पर जयसवाल भारी पड़ा। जयसवाल मतलब यशस्वी जयसवाल का जो खेल है वो उस पर भारी पड़ा, और उन्होंने दिखाया कि कैसे वो खेलते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दूसरे दिन की समाप्ति के वक्त तक इंग्लैंड एक ऐसी स्थिति में था जहां मैच बराबरी पर था, 207 रन पर, दो विकेट के नुकसान पे। लेकिन वहां पर एक खबर आती है भारत के लिए कि अब आगे रविचंद्रन अश्विन इस मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल उनकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है और इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो भारत इस मैच में जो है 10 खिलाड़ियों पर हो गया, और जो 5 गेंदबाज थे तो सिर्फ 4 गेंदबाज बच गए, तो भारत की चिंताएं बढ़ गई थी। तो तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो इंडियन बॉलर्स पर एक प्रेशर था, लेकिन कहते हैं ना कि जो बेसबॉल है वे बुमेरांग बनकर इंग्लैंड को ही घायल कर गया। वो कैसे बताता हूं। शुरुआत तीसरे दिन अच्छी हुई थी, जो रूट और बेन डकेट खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आते हैं और जो रूट ये हिमाकत करते हैं कि वो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वो स्लिप में यशस्वी जायसवाल को अपना कैच थमा बैठते हैं, और यहीं से जो है भारत को वो ओपनिंग मिल जाती है जिसकी की उसे तलाश थी। मैंने आपको कहा था कि अगर तीसरे दिन भारत को बेहतर करना है तो पहले आधे घंटे का उपयोग उसे बेहतर तरीके से करना होगा, और भारत ने किया, क्योंकि जब रूट वापस गए तो जॉनी बेरिस्टो आए, लेकिन वो बेसबॉल नहीं खेल सके, सिर्फ 4 बॉल खेल सके, और वापस पवेलियन लौट गए। कुलदीप यादव की गेंद उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो विकेट के सामने पकड़े गए। स्कोरर को उन्होंने कोई कष्ट नहीं दिया, वो शून्य के स्कोर पर वापस पवेलियन लौटे। फिर बेन डकेट जो है वो कुलदीप की एक बाहर जाती गेंद पर अपना बल्ला फेंकते हैं और शुभमन गिल को अपना कैच थमा बैठते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं ना कि जो बेसबॉल है वो बुमेरांग बनकर इंग्लैंड की टीम को ही घायल कर गया, चूंकि जो रूट बेसबॉल खेलते हुए आउट हुए, इसी तरह से बेन डकेट जिन्होंने 150 रन बना लिए वो भी जो है बेसबॉल खेलने के प्रयास में ही अपना विकेट गवाए। हालांकि अगर मैं बेन स्टोक्स की पारी को कहूं तो वो बेसबॉल क्रिकेट नहीं था, वो नॉर्मल क्रिकेट था, उन्होंने 41 रन बना लिए थे, लेकिन जडेजा की गेंद पर बाहर निकलकर मारने के प्रयास में वो भी बुमराह के द्वारा कैच किए गए। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 399 रनों पर 5 विकेट था, और यहां पर लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 375-80 तक तो जरूर जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद एक कोलैप्स आता है और देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम 319 के स्कोर पर सिमट जाती है और उनकी जो पारी है पहली पारी वो खत्म हो जाती है। पहली पारी के आधार पर भारत को 126 रनों की बढ़त मिलती है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए आते हैं, रोहित 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपना जायसवाल दिखा दिया, फिर से दिखाया। इस सीरीज में वो इंग्लैंड को बार बार जो है अपना जायसवाल दिखा रहे हैं, और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि शुरुआत उन्होंने बहुत संभल कर की, लेकिन जब एक बार खुले तो ऐसे खुले कि फिर क्या एंडरसन और क्या रेहान अहमद, जैसे मन किया वैसे मारा। जिमी एंडरसन को भी एक ओवर में जो है उन्होंने पहले छक्का लगाया, फिर चौका,
तो इस तरह से उन्होंने जिमी एंडरसन को खेला। इसके अलावा रेहान अहमद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेले और इन सब के बीच उनका शतक जो है वो एक बार फिर से आ गया, इस सीरीज का दूसरा शतक, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 209 रनों की पारी खेली थी और अब जो है उन्होंने फिर से सैकड़ा लगाया। लेकिन शतक लगाने के बाद वो ज्यादा देर जो है वो पिच पर नहीं रह सके, वो आउट नहीं हुए। दरअसल जो है उनके बैक में कुछ समस्या आई, एक दो बार फिजियो भी आए, लेकिन जो है वो चोट उन्हें लगता है, वो इंजरी उन्हें है, और फिर उन्होंने एक समझदारी भरा फैसला लिया और वापस पवेलियन लौट गए। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फिर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, लेकिन उनके आउट होने के बाद रजत पाटीदार भी आउट हो गए। लेकिन एक तरफ शुभमन गिल जमे हुए हैं, अपने शतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अब अगर चौथे दिन शुभमन गिल एक बड़ा शतक लगा देते हैं तो फिर भारत के लिए जीत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर तीसरे दिन जो है भारत का जलवा रहा और भारत ने हर क्षेत्र में इंग्लैंड को पछाड़ा है। तो जो आप कहते हैं ना मूविंग डे तीसरे दिन को कहा जाता है, तो तीसरे दिन जो कि मूविंग डे था, मैच जो है वो मूव कर चुका है भारत की तरफ। अब अगर भारत कोई बड़ी गलती नहीं करता तो ये मैच जो है उसके पाले में आ सकता है। तो देखना है चौथे दिन क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।